हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर एस अपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। दोस्तों आज फिर से आए हैं मोहाली सेक्टर 123 3BHK विला आप सभी के लिए लेके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ विला। उससे पहले यहाँ पर देखोगे बहुत ही प्यारा एलिवेशन होने वाला है 3BHK इस विला का, और ये 107 गज में रहेगा। आइए अंदर से दिखाना आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इसका 2BHK ग्राउंड 1BHK फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। स्टे जो है बाहर से रहेगी। इन फ्यूचर अगर आप रेंट पर भी देना चाहते हो तो बहुत अच्छा खासा रेंट आपका निकल के आ जाएगा। फिर दोस्तों अंदर से दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे, यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है 5 सीटर सोफा लगाया हुआ, बट आप चाहो तो यहाँ पर इसको बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ भी 5 सीटर लगाया हुआ और जैसा दिख रहा है सेम एज इट इज़। यहाँ पर लुकिंग वगैरह देख सकते हो आप, वॉल कितनी प्यारी डिज़ाइन यहाँ पर की हुई है, और ये डिज़ाइन सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। ऊपर भी यहाँ पर आप देखोगे ये भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ, पूरा झूमर वगैरह फैंसी लाइट्स हो गए यहाँ पर, आपके फैंस वगैरह हो गए। जैसा दिख रहा है सेम एज इट इज़ ही यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आ जाती है आपकी बिग साइज की LED पैनल, जो कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी LED पैनल दे दी है। और साइड में यहाँ पर नीचे की तरफ कोई भी आपने सामान वगैरह रखना है उसके लिए कवर्स वगैरह यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर अपने डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी सामान रखने वो यहाँ पर आपके ईजी आ जाएंगे। और उसी के साथ आ जाता है हमारा किचन। किचन देखो कि बहुत ही प्यारा किचन बना दिया हमारा, एल टाइप में यहाँ पर किचन होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मतलब यहाँ पर स्पेस की मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे कि कम स्पेस रहता है। तो यहाँ पर देखोगे सिंक रहेगी हमारी सियारे की रहेगी, और यहाँ पर हमारी आ जाती है विंडो वेंटिलेशन की, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर कोई भी बाहर से आता है तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं लगे हुए सेम एज इट इज यहाँ पर ये मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है चिमनी के लिए स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पर ऊपर देखोगे यहाँ से आपका कनेक्शन भी हो जाएगा। बाकी ऊपर की फैंसी लाइटें वगैरह जैसे दिख रही है डेकोरेट करके, बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और ये जो रहेगा यहाँ पर ये ऑप्शनल रहेगा, अगर आप चाहते हो तो ये भी आपको लगवा के दे देंगे, बट ये इसके साथ इंक्लूड नहीं रहेगा। दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, और फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर आप देखोगे तो बेडरूम के साइजेस भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है किंग साइज बेड लगा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। 13x13 का यहाँ पर रूम साइज होने वाला है। और इसी के साथ आई थी हमारी LED पैनल, जो कि देख रहे हो ये भी ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम की जो टाइल्स है ना फुल हाइट तक यहाँ पर कवर की गई है, ताकि आपको कोई भी नमी की प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद यहाँ पर आपको विंडो दे दिए ताकि आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा दिख रहा है सियारा के सैनिटरी वगैरह हमारी होने वाली है। उसी के साथ में हमारा आ जाएगा कबर्ड्स यहाँ पर देखोगे पूरा ऊपर तक कवर करके दिए हुए, तो कोई भी आपने सामान रखना है वो यहाँ पर आप आराम से रख सकते हो। स्लाइड कबर्ड्स यहाँ पर हमारी होने वाली है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम भी सेम ही रहेगा, और यहाँ पर साइज की बात करूँ तो ये भी साइज इसका रहेगा 13x13 के यहाँ पर रूम्स यहाँ पर होने वाले हैं। और जैसा दिख रहा है डिजाइनिंग सेम एज इट इज मिल जाएगा। किंग साइज बेड लगा होने के बाद भी स्पेस यहाँ पर आपका काफ़ी बच जाता है। और साथ में हमारा रहता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की जो है टाइल्स वो भी ऊपर तक कवर की गई है, ताकि आपको नमी की कोई प्रॉब्लम ना है। और यहाँ पर का प्रोविजन आपको मिल जाता है, बाकी वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और इसी के साथ में यहाँ पर LED पैनल का जो है डिज़ाइन देखो काफ़ी प्यारा यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। फोर सीलिंग डाउन सीलिंग जैसे आप देख रहे हो वो भी सेम एच से मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे फैंसी लाइटें के साथ बहुत ही प्यारा यहाँ पर लुक इसका आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाती है हमारी कबर्ड देखोगे ये भी पूरी ऊपर तक कवर करके दी गई है। और ये आ जाती है हमारी ड्रेसिंग, और यहाँ पर आपने कोई भी सामान रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। सामान रखने के लिए स्पेस यहाँ पर दे दिया है। रूम साइज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और अच्छे होने वाले। उसके बाद हम चलते हैं अपना ऊपर की तरफ, और जो हमारा रहेगा 1BHK ऊपर रहेगा, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे भी देते हो आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये रेंट आपका 1BHK का आ जाएगा। तो आइए ऊपर से दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज जो हमारी बाहर से, ये आपका एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। तो आप ऊपर आते हो तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट में, यहाँ पर फैंसी लाइट आपको दे दी है। उसके साथ में यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सामने हमारी बालकनी आ जाती है। बालकनी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी यहाँ पर बालकनी बना दी है। और यहाँ पर जो वॉल्स का आप डिज़ाइन देखोगे ये भी बहुत प्यारा है, यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है फैंसी लाइट के साथ, बहुत ही प्यारी लुकिंग इसकी आ रही है। तो आइए दोस्तों अंदर एंटर करते के साथ यहाँ पर एक नॉर्मल किचन हमने बना के दे दिया आपको। पीछे बैक एरिया आपका जो है खाली है, वहाँ पर आप कुछ भी बनाना चाहो फ्यूचर बना सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रेसिंग दे दी है, बहुत ही प्यारी सी ड्रेसिंग यहाँ पर बना दी है। उसी के साथ में हमारा रहेगा वॉशरूम देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, और यहाँ पर टाइल्स जो है इसकी पूरी ऊपर तक कवर की गई है ताकि नमी की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सियारे के सैनिटरी, और यहाँ पर विंडो दे दिए ताकि आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। रहेगा हमारा रूम, तो रूम यहाँ पर देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो 13x13 का यहाँ पर रूम रहेगा। सामने आपको एक बड़ी सी विंडो दे दी है,
ठीक है, यहाँ पर बाहर आप नज़ारा ले सकते हो और बालकनी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेगी। उसी के साथ में आ जाता है हमारा एलईडी पैनल, और काफ़ी बड़ा एलईडी पैनल यहाँ पर आपको बना दिया है। और यहाँ पर आ जाती है हमारी कबर्ड्स को पूरे ऊपर तक कवर करके गया है। बाकी फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग जैसे आपको दिख रही सेम एलईडीज मिल जाएगी। और पीछे भी यहाँ पर आप देखोगे जो 3D वॉलपेपर है बहुत ही मतलब मैचिंग देखोगे कबर्ड के साथ मैचिंग किया हुआ है और बहुत ही प्यारी लुकिंग इसकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 3BHK। बाकी बैक साइड एरिया में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इन फ्यूचर अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पर बना भी सकते हो। अगर आपने वैसे ही ग्रीनरी मेंटेन करनी तो ग्रीनरी भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये रहेगा हमारा बैक साइड एरिया, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। और यहाँ पर अगर आप इन फ्यूचर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, स्पेस बहुत ज़्यादा जो है। बाकी आप खुला भी छोड़ सकते हो ऊपर जाने के लिए, स्टेयर्स यहाँ से दे दी है। दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, लोकेशन की, तो ये होने वाला है सेक्टर 123 मोहाली में, मेन रोड के बिल्कुल पास में यहाँ पर रहेगा। 107 गज की ये प्रॉपर्टी होने वाली है 3BHK। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 92 लाख रुपये। 92 लाख देकर आप ये 107 गज का 3 कोठी अपने नाम कर सकते हो। तो फटाफट से आइए दोस्तों, कॉल कीजिए, नंबर नीचे दिया हुआ है, कॉल करके बुक कीजिए, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री है बहुत जल्दी सेल हो जाती है। और फिर काफ़ी सारे मतलब पुरानी होने के बाद लोग पूछते हैं कि सर ये अवेलेबल है या नहीं। तो वीडियो डालने के बाद ही अगर आप एक महीने के अंदर कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तभी आप ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सोल्ड हो जाती है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, फटाफट से कॉल करके बुक कीजिए। मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।